हेलो गाइस, वेलकम टू पैराडाइज इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो सेलिब्रिटी मेरे साथ जुड़ी हुई है उनका नाम है मान्या मोगिया जी हैं। और मान्या मोगिया जी कई वेब सीरीज, कई एल्बम्स, कई वीडियोस, कई सोशल मीडिया पे वर्क कर रही हैं और इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं ये। और मोगिया जी, आप एक बात बताएंगे, अभी आप कहाँ कहाँ काम कर चुकी हैं और आपके जो रिटर्न का प्रोजेक्ट है वो अभी कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं? अभी मैं कोई बात नहीं, इनके साथ इनकी क्यूट, इनका क्यूट वो डॉगी है, बहुत प्यारा सा। इसने भी हेलो किया है आप सबको, आप भी इनको ब्लेसिंग्स दीजिएगा जी। सो हाय, आई एम अ राइटर, आई एम अ डायरेक्टर, मैंने असिस्ट किया है काफ़ी फिल्मों में और मेरी एक अपकमिंग फिल्म आ रही है सावरकर, जो कि रणदीप हुड्डा के साथ है। सो आई वुड रियली लाइक यू टू गो एंड चेक इट आउट व्हेन इट इज आउट। इट इज कमिंग आउट ऑन 22nd March। सो होप यू गाइस लाइक इट, माय डियर फ्रेंड्स, उसको जरूर देखिएगा। और दूसरा, आप स्टोरी राइटर भी है जी। तो अभी क्या राइट कर रही, किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं? अभी मैं एक फिल्म लिख रही हूँ जो कि सिनेमा के ऊपर है, ड्रीम्स के ऊपर है, लूसिड ड्रीमिंग के ऊपर है, और एक वेब सीरीज है जो फीमेल लेड है, और ये बॉम्बे का प्रोजेक्ट है, दिल्ली का और बॉम्बे का दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। अच्छा, आपका स्वागत है पैराडाइज इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी के अंदर। और हमारे जो पूरी टीम है, पूरी यूनिट है, और यूनिट की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने, और इनके साथ ही इनके और आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है, आपका नाम क्या? अनुकूल मल्होत्रा। अनुकूल मल्होत्रा जी, आप मुझे और बताइए, इनका डोगी है नीचे, मुझे एकदम डर लगा, उसने बड़े प्यार से टच किया, मैं एकदम शौक हो गया। आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कौन कौन सी आप वीडियोस में कर चुके हैं या अभी आप फ्रेशर हैं, जो भी, व्हाटएवर प्लीज। बेसिकली मैं कॉमेडी मैक्सिमम करता हूँ। और मैंने एक शूट चिंकी मिंकी के साथ किया हुआ है, मुश्ताक खान के साथ काम किया हुआ है, मैंने एक टीवी ऐड किया हुआ है टीवीसी मुकेश बख्शी के साथ, जिनको आपने बजरंगी भाईजान में देखा होगा, जी उनके साथ किया है काम। और डायरेक्टर है मेरी ये, इसके साथ मैंने एक अदर हाफ मूवी की है, बट वो सीरियस था, इसने मुझसे बहुत अच्छा करवाया, मुझसे सीरियस होता नहीं है, बट शी इज़ वेरी 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 टैलेंटेड डायरेक्टर। और मुझे बहुत है, इनका भी यूट्यूब चैनल है, अगर आप इनके, अब बताइए ताकि ये अनुकूल वाइन्स नाम से इनका चैनल है, जिसमें ये रोज वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी बनाते हैं, और प्लीज आप उसको जरूर वो कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। और आपकी हमें हमेशा इंतजार रहेगी आपके बोलिएगा कमेंट की और उसकी आइडियाज की। हमारे आइडियाज भी देखिएगा जो आएंगे, उनको देखिएगा, ये ड्रीम्स के ऊपर जो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, हम इसके बारे में शायद बात करें। अच्छा, एक बात और बताइए डॉक्टर साहब, मेरी, मैं एक वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैं डायरेक्टर से अपॉइंट कर रहा हूँ, तो क्या आप मेरे प्रोजेक्ट को समझना चाहेंगी, सुनना चाहेंगी, ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें और उसके ऊपर आगे बढ़ सकें? बिल्कुल। तो उसके लिए हम कब का शूट रखें, क्योंकि एक इनिशियल स्टार्ट हो चुका है हमारा। अच्छा, ये शूट तो डन हो चुका है, व्हाट एवर इट इज, बट ये शूट हो चुका है। ओके, इसके बाद हम प्रॉपर वे में जो बात करेंगे या एक मीटिंग रख लेते हैं, तो आप मुझे टाइम बताइएगा और मैं आपके असिस्टेंट से बात कर लेता हूँ, ठीक है, और प्रॉपर टाइम ले लेते हैं और टाइम लेके हम शूट कर लेते हैं। तो मुझे आप इस शूट के बाद अपने असिस्टेंट का नंबर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर गार्ड लोगों से मैंने परमिशन लेके आपके असिस्टेंट से 2 मिनट का टाइम लेके थोड़ा सा ये समय लिया, आपका धन्यवाद। आपने इतने शेड्यूल के अंदर, इतने टाइट शेड्यूल के अंदर, इतनी बड़ी शूटिंग मीटिंग को छोड़ के अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिस्टर एक्टर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बोलिएगा एक बार, पैराडाइज इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जो इन्होंने बोला उसमें आपका सबका स्वागत है। पैराडाइज इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम आपका इंतजार कर रहे हैं जी, ऑडिशंस के लिए। आपका इंतजार कर रहे हैं गाइस, आप फ्रेशर है, कुछ भी है, डरो मत, एक्टिंग बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जितना कंफर्ट हो गए, जैसे घर पे रहते हो वैसे कैमरे में रहना है, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे ये देखो, एक एक्टर से बाबा बन गए हैं तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वैसे आपको एक कॉमन इंसान से एक्टर बनना है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बाय।